फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रॉयल पोहा। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ऑयल, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू, जो मैंने पहले बॉयल करके छोटे छोटे काट लिए थे। बॉयल करने से ये कच्चे नहीं रहेंगे अंदर से और जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे। हमारे आलू अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम मारते हैं इसमें तड़का। सबसे पहले हमने लिया राई, इसमें डालेंगे हम करी पत्ता, प्याज, अब हम इसमें डालेंगे मिक्स वेज, जिसमें मैंने लिए मटर, गाजर और स्वीट कॉर्न। थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे। हमारी सब्जियां बिल्कुल भून चुकी हैं। इनको हाफ भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। थोड़ा सा हम इसमें अब बटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा हम चिल्ली सॉस डालेंगे। मैंने रेड चिल्ली सॉस लिया है। आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली सॉस भी ले सकते हो। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। अब हम इसमें बॉयल पोटैटो, जो हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे, डाल लेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। अब हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे। थोड़ा सा लाइम जूस डालेंगे।
अब हम इसमें पोहा डालेंगे जो मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। पोहे को हम ज़्यादा देर तक भिगो के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वह बहुत जल्दी टूट जाता है। हमारा पोहा बनके अब तैयार है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा फ्रेश लाइम डालेंगे। थोड़े से काजू डालेंगे और थोड़े से बादाम डालेंगे। अब हम इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग के लिए मैंने खीरा लिया है, हरी मिर्च ली है और नींबू लिया है। थोड़े से मैंने मिक्स भुजिया ली है। थोड़े से हमने इसमें किशमिश डाली है ऊपर से। थोड़े से हमने इसमें प्याज डाले हैं। गार्निश के लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉस डाल देते हैं टमाटर। हमारा पोहा तैयार है।